Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. Today lecture number 46 and module 2 AC circuits हम पढ़ रहे हैं. Last lecture में हमने जो topic पढ़ा था वो था series RL circuit. ठीक है, AC circuit में हमने RL को connect किया था series में और कुछ findings की थी. यहाँ पर हमने power निकाला था P is equals to V I cos phi. ठीक है, unit was in watts. हमने इस पावर को कुछ नाम भी दिए थे, जैसे पावर कंज्यूम्ड. पावर कंज्यूम्ड का मतलब है कि जो पावर हमने यूज की, या पावर एब्जॉर्ब्ड यानी कि जो भी पावर हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो ले रहे हैं सप्लाई से. और हमने नाम दिए थे रियल पावर. रियल पावर का मतलब है कि जो एक्चुअल में पावर का यूज हो रहा है वो है ये. और ट्रू पावर भी हमने इसको कहा था, और एक्टिव पावर भी हमने इसको कहा था. ठीक है, साथ ही साथ इस पावर में आप देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन है आरएमएस वैल्यू ऑफ वी, आरएमएस वैल्यू ऑफ आई एंड कॉस फाई. और कॉस फाई को हमने कहा था पावर फैक्टर. ठीक है, साथ ही मैंने इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पावर फैक्टर. आपको एक एग्जांपल लेके मैंने बताया था कि अगर पावर फैक्टर 0.5 हो जाए तो हम ट्वाइस ऑफ पावर का यूज करते हैं, और अगर पावर फैक्टर 1 रहे तो हम नॉर्मल पावर का यूज करते हैं, जितने पावर का कंजम्पशन हम करना चाहते हैं, जितने पावर का हमारे पास इक्विपमेंट है. राइट, तो दोनों ही केस में हमने ये पाया कि हम सेम इक्विपमेंट को यूज करेंगे अगर, और पावर फैक्टर एक केस में 1 है और एक केस में 0.5 है, तो 0.5 वाले केस में हम सेम इक्विपमेंट को चलाने के लिए डबल पावर के यूज का बिल पे करेंगे, जबकि यूज हम उतनी ही पावर का करने वाले हैं. राइट, ये सब चीज हमने पढ़ी. साथ ही साथ प्रीवियस कुछ केसेस में आपने देखा था कि जब हमने प्योर एल और प्योर सी वाले केस पढ़े, मैं थोड़ा सा वेवफॉर्म के थ्रू समझा दूं. अगर हमारे पास ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, दिस इज वी, और ये हमारे पास करंट का वेवफॉर्म है, दिस इज आई. प्योर एल का केस है क्योंकि मैंने यहाँ पर 90 डिग्री से वेवफॉर्म को लैग कराया है. साथ ही साथ अगर मैं इसको पावर प्लॉट करूँ तो पावर की प्लॉटिंग में आप देखेंगे कि इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, कुछ पावर का प्लॉटिंग कुछ इस तरह का होता है, जो कि एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म बन जाती है आपके पास दोनों ही केस में. और आप ये देखते हैं कि इसमें हर एक क्वार्टर साइकिल के बाद जो पावर का फ्लो है वो चेंज होता है. पावर के फ्लो का चेंज होने का मतलब है कि अगर आप यहाँ से शुरू करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां से आपका करंट पॉजिटिव होना शुरू हुआ है, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका जो करंट है वो पॉजिटिव है. और पॉजिटिव करंट का मतलब है आपका जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है ये वाले केस में, this is L, this is V, वो इस साइड में फ्लो हो रहा है. उसके बाद सेकेंड जो क्वार्टर शुरू होता है उसके जस्ट उसमें आप देखेंगे कि जो करंट है वो रिवर्स हो गया है, और करंट के रिवर्स होते ही ये जो फ्लो है करंट का वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो पावर है वो भी रिवर्स हो गई है साथ ही साथ. और रिवर्स का पावर का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि पावर नाउ इज बींग सप्लाइड टू द सोर्स. फर्स्ट केस में क्या है, पावर का जो ट्रांसफर है वो सोर्स से लोड की तरफ को है, जिस वजह से हम सर्किट में करंट को फ्लो करते हैं. क्योंकि जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने का सिंपल सा सिर्फ एक ही रीजन है, वो ये है कि जो सोर्स है उस सोर्स से लोड की तरफ को पावर सप्लाई की जा रही है. राइट, और जब भी हमारा लोड से सोर्स की तरफ को जाएगा करंट विद द सेम पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज, यहाँ पर आप देखेंगे वोल्टेज का पोलैरिटी सेम है, यहाँ पर भी वोल्टेज का पोलैरिटी सेम है फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द वोल्टेज. यहाँ पर आप देखिए मैं 0 से 90 डिग्री के बीच में बात कर रहा हूँ, तो वोल्टेज इज पॉजिटिव, यानी कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है. फॉर 90 टू 180 डिग्री अगेन वोल्टेज इज पॉजिटिव, तो अगेन दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव. बट इन दिस केस यहाँ आप देखेंगे कि जो पावर है वो नेगेटिव है, इन दिस केस जो पावर है वो पॉजिटिव है. या करंट के बारे में बात करें कि इन दिस केस पावर इज नेगेटिव, इन दिस केस सॉरी करंट इज नेगेटिव, इन दिस केस करंट इज पॉजिटिव. तो ये दो केसेस मैंने ड्रॉ किए हैं. दोनों केस में आप देखते हैं कि वोल्टेज का पोलैरिटी तो सेम है लेकिन करंट का पोलैरिटी चेंज हो रहा है. तो फर्स्ट केस में आप कहेंगे कि पावर सप्लाई की जा रही है सोर्स से लोड की तरफ को, और सेकेंड केस में आप कहेंगे पावर रिटर्न हो रही है. ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे कि जो टाइम ड्यूरेशन है पावर सप्लाइड का और पावर रिटर्न का वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं प्योर एल और प्योर सी के केस में. इसलिए हम कहते हैं कि जो नेट पावर आती है, नेट पावर कंजम्पशन है, वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि जितना हमने पावर लिया उतना ही हमने रिटर्न कर दिया. लेकिन जब आपने आर एल का केस ड्रॉ किया, आर एल के केस में आपने देखा कि हमारा जो केस है वो कुछ इस तरह का था. ये आपके पास वोल्टेज हो गया
और ये आपके पास करंट हो गया जिसमें फाइ एंगल से हमने उसको लैग कराया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पावर बना कुछ इस तरह से बना, ये आपका कुछ समवेयर इस तरह का कर्व बना था पावर का प्रीवियस वाले, उसमें अगर आप देखें तो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं दिस इज पावर, ठीक है, दिस इज पावर, दिस इज वी एंड दिस इज आई, ये है वी, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ड्यूरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव पावर का वो आइडेंटिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि जो नेगेटिव पावर वाला पोर्शन है वो कम है, जो पॉजिटिव पावर वाला पोर्शन है वो ज्यादा है, यानी कि ज्यादा टाइम के लिए पावर सप्लाई हो रही है और कम टाइम के लिए पावर रिटर्न हो रही है। अल्टीमेटली जो नेट पावर आपको मिला है वो नेट पावर का वैल्यू आपको मिला है वी आई कॉस फाई यूनिट है वॉट। सवाल ये है कि जो ये जो पावर रिटर्न हो रही है ये कहाँ जा रही है। नेचुरली पावर का जो फ्लो है वो सोर्स से लोड और लोड से सोर्स की तरफ को है, राइट। तो यहाँ पर एक और पावर का इंट्रोडक्शन होता है, जो पावर रिटर्न होती है जिस ड्यूरेशन में वो पावर यूजुअली रिटर्न होती है फॉर रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, रिएक्टिव एलिमेंट्स जो कि हमारे हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, एल एंड सी। सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट्स के केस में ही पावर रिटर्न होती है। आप देखेंगे प्योर रेजिस्टेंस के केस में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां तो पूरा का पूरा पावर पॉजिटिव है, बट जैसे ही आप इंडक्टर या कैपेसिटर को सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हो वैसे ही आपके पास नेगेटिव साइड ऑफ पोर्शन कर्व पे दिखाई देने लगता है, यानी कि पावर रिटर्न होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली पावर से रिलेटेड है, क्योंकि पावर हमारे पास होती है तीन टाइप की, एक होती है एक्टिव पावर और रियल पावर और ट्रू पावर भी कहते हैं जिसको, ठीक है, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर जो कि रिएक्टिव कंपोनेंट्स की वजह से है, और तीसरा होता है एपरेंट पावर, ठीक है। ये तीन टाइप की बेसिकली आपके पास पावर होती हैं, पहला है एक्टिव एंड रिएक्टिव, एक्टिव पावर और रियल पावर और ट्रू पावर, दूसरा है रिएक्टिव पावर और तीसरा है एपरेंट पावर, राइट। तो ये टोटल तीन टाइप की पावर आपके पास है। इसमें से अगर पहले वाली पावर की बात करें, जो पहले वाली पावर है ये डीसी सर्किट में हमने पढ़ा था P इक्वल्स टू होता है V इनटू I, और एसी सर्किट में भी हमने प्योर R के केस में पढ़ा था P इक्वल्स टू होता है V इनटू I, यूनिट है दोनों के केस में वॉट, राइट। ये वो पावर है जो सप्लाई हुई है लोड पे, सप्लाई पावर जिसको आप कहते हैं एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब जो लोड ने रिसीव कर ली है, जो एक्चुअल में कंज्यूम हुई है, एक्चुअली यूटिलाइज्ड, ठीक है, एक्चुअल में जो यूटिलाइज हुई है ये वही पावर है, एक्चुअली यूटिलाइज्ड, ठीक है। इसी को कहा गया है एक्टिव पावर, जिसका फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई, ठीक है, आप इसको P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई कह लीजिए फॉर आर एल लोड, ठीक है, या फिर कॉस फाई की वैल्यू वन पुट करके P इक्वल्स टू वी आई कह लीजिए, दोनों ही सेम मीनिंग है कि एक्टिव पावर है ये जो एक्चुअल में यूटिलाइज हो रही है, और एक्चुअल यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, ओनली इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, अदरवाइज वी नो दैट कि इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई भी पावर यूटिलाइज नहीं होती, कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पास आर एल केस आता है, जो कि हमने अभी अभी जस्ट ऊपर वेवफॉर्म देखा, उस आर एल केस में आर की वजह से तो पावर कंज्यूम हो रही है, लेकिन एल की वजह से कहाँ वो पावर जा रही है, क्योंकि एक्चुअल में तो पावर वहां फ्लो हो रही है। आप देखेंगे ये जो पावर है ये फ्लो तो इसका भी है और फ्लो इस पावर का भी है, तो जो पॉजिटिव पावर है वो आपकी रेजिस्टेंस के कारण कंज्यूम हो रही है, लेकिन जो नेगेटिव पावर है वो नेगेटिव पावर आपकी कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपकी रिटर्न टू द सोर्स। सो सेम अमाउंट ऑफ पावर, ये जो नेगेटिव पोर्शन है यही नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव साइड भी है, और टोटल जो कर्व हमारा पॉजिटिव साइड में बना है वो टोटल कर्व एक कॉम्बिनेशन है रेजिस्टिव पावर का और इंडक्टिव पावर का, यानी कि जो पावर एक्चुअल में कंज्यूम हुई है वो पावर, प्लस जो पावर बार बार लोड की तरफ को आ रही है और लोड से सोर्स की तरफ को आ रही है, जो कि इस कर्व से हमें बेटर समझ में आता है जब हम प्योरली एल या सी की बात करते हैं। तो इस केस में जब आर और एल दोनों कंबाइन कर दिए तो सेम अमाउंट ऑफ पावर यहाँ पर जो नेगेटिव में आया है वो पावर पॉजिटिव साइड पर भी डेफिनेटली है, क्योंकि जब वो एल पावर को लेगा तभी तो वो रिटर्न करेगा, राइट।
तो ये जो पावर रिटर्न्ड हो रही है इस पावर को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर, इसी को कहा गया है रिएक्टिव पावर। ये बेसिकली सिर्फ तब अपीयर होगी जब आपके पास रिएक्टिव कंपोनेंट्स होंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने पहली पावर को डिफाइन किया एक्टिव पावर, रियल पावर को, कि जो पावर एक्चुअल में सर्किट में कंज्यूम हुई है उसको हम कहते हैं ट्रू पावर और एक्टिव पावर, राइट। और जो कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में होती है, जिसका फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू वी आई कॉस 5 वॉट, राइट। इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट व्हेन कॉस 5 विल बिकम इक्वल्स टू 0 बिकॉज 5 0, इन दैट केस पी विल बिकम इक्वल्स टू वी इनटू आई, राइट। अब बात करते हैं उस सर्कुलेटिंग पावर की जिसको हमने बोला है रिएक्टिव पावर, एंड जो अपीयर होती है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से, राइट। उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसको डिफाइन करने के लिए हम एक छोटा सा फेजर डायग्राम बनाते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आरएल सर्किट के केस में, जहां पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर था वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लेते हैं वोल्टेज और यहाँ पर ले लेते हैं करंट आई, और दोनों के बीच में एंगल था वी। अब आप क्या करेंगे, आप इस आई को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसको रिजोल्व करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल पर आपको मिलेगा ये कंपोनेंट जो होगा आई कॉस फाइव, और जो वर्टिकल कंपोनेंट पे मिलेगा वो आपके पास होगा आई साइन फाइव, ठीक है। इस तरह से आपने कर लिया, हॉरिजॉन्टल पर आपको मिल गया आई कॉस फाइव और वर्टिकल एक्सिस पर आपको मिल गया आई साइन फाइव, राइट। इफ यू ड्रॉ दिस अगेन एंड मल्टीप्लाइंग वी इन दिस आई कॉस फाइव, यू गेट हेयर वी आई कॉस फाइव, हेयर यू गेट वी आई साइन फाइव, एंड इसका जो फेजर सम है जहां पर हमारे पास आई था, you get here v i and this angle is your phi. तो यहां पर जो v i cos phi है that is active power p, जो v i sin phi है उसको बोलते हैं reactive power denoted by capital q, it is v i sin phi, unit is var, volt ampere reactive, volt ampere reactive. And this VI power is called as apparent power denoted by capital S, V into I, its unit is volt ampere, VA, क्योंकि it is directly multiplied with V into I, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई हमें। ऑल राइट, अब यहां से जो एक कंपोनेंट बनता है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं, दिस इज VI आई साइन phi, this is vi sin phi, ये ऊपर वाला cos phi था, and this is vi, this is called power triangle, इसी को बोलते हैं हम power triangle, ठीक है। ये भी एक important concept है power triangle का। तो आप देखते हैं कि ये है हमारे पास power p, active power, ये है आपके पास अपेरेंट पावर एस, और ये है आपके पास रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाइव। सो रिएक्टिव पावर इज द पावर विच सर्कुलेट फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड लोड टू सोर्स इन केस व्हेन रिएक्टिव कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट लाइक इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल क्यू से, इसको हमने डिनोट किया है, दिस इज कैपिटल क्यू, एंड क्यू इक्वल्स टू होगा वी आई साइन फाइव, एंड द यूनिट इज वी ए आर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। ऑल्सो द थर्ड पावर जिसको हमने कहा है अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर एस। अगर आप ट्राइंगल से देखेंगे तो यू विल फाइंड एज एस इज नथिंग बट इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और वी इन टू आई, क्योंकि पी होता है आपका वी आई कॉस फाइव, तो यू विल डू वी आई कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस Q equals to होता है VI sin phi, तो you will do VI sin phi square. यहां से आपके पास VI बाहर आ जाएगा, square का under root आप लेंगे common, और अंदर बचेगा sin square theta plus cos square theta, और दोनों का जो sum होता है वो one होता है, तो you will ultimately get V into I volt ampere, ठीक है। ये चीज आपको यहां से मिल जाएगी। All right? Now
पावर फैक्टर को आप यहां से भी निकाल सकते हो क्योंकि फाई इज द फेज एंगल अगेन, सो हमेशा जो फाई एंगल है फेज एंगल है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह से चलता रहेगा। और यहां से भी आप अगर पावर फैक्टर की बात करते हैं, पावर फैक्टर कॉस फाई, तो आप क्या देखते हैं, पावर फैक्टर इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई अपॉन वी इंटू आई, और यू कैन राइट एज एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर पी बाय एस। तो यहाँ से एक और वैल्यू निकल कर आ गई है पावर फैक्टर की, जो कि है पी बाय एस, राइट। जब भी हम पावर फैक्टर की वैल्यू डिफाइन करते हैं, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि यहाँ पे हमें पावर फैक्टर के साथ लैगिंग या लीडिंग लिखना कंपल्सरी होता है, राइट, क्योंकि सर्किट आपका लैगिंग है या लीडिंग है। ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपको फाई एंगल से ही पता चल जाएगा कि जब आपका फाई एंगल लैगिंग होगा तो पावर फैक्टर भी लैगिंग होगा, और जब आपका फाई एंगल लीडिंग बताएगा तो उस केस में आपका जो पावर फैक्टर है वो भी लीडिंग शो करेगा, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जब भी पावर फैक्टर आपको डिफाइन किया जाएगा इट विल बी ऑलवेज डिफाइंड विद सम वैल्यू विच विल वेरी इन बिटवीन 0 एंड 1, एंड यू विल हैव लैगिंग एंड लीडिंग टर्म विद द पावर फैक्टर, राइट। जैसे इन केस ऑफ आर एल सीरीज सर्किट जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, उस केस में आप लिखेंगे पावर फैक्टर कॉस फाई इन लैगिंग, क्योंकि आप देखते हैं वहां पर करंट लैगिंग था। लेट अस सपोज हम कहेंगे कि पावर फैक्टर है कॉस फाई इज इक्वल्स टू 0.5 लैगिंग, इस तरह से हमेशा पावर फैक्टर को डिफाइन किया जाता है, राइट, जो कि हमने आर एल के केस में लिखा है, ठीक है। अब ये तो था पावर के बारे में कि तीन टाइप की पावर होती है, एक एक्टिव पावर, एक रिएक्टिव पावर और एक अपेरेंट पावर, और तीनों का मीनिंग क्या है, ये हमारे पास हो गया। अब बात करें अगर अपेरेंट पावर की, तो यही वो अपेरेंट पावर है जिसका एक्चुअली हम यूज करते हैं। पावर एस इज इक्वल्स टू वी इनटू आई, आपको आप ध्यान से देखेंगे कि आपको वोल्टेज भी मिलता है 230 वोल्ट सिंगल फेज में, और आप करंट का जो भी यूज करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, वो आपका है करंट। अब यहाँ पर वो चीज बेटर क्लैरिफाई होगी कि जब दो केस हमारे पास हैं, एक केस में पावर फैक्टर 1, दूसरे केस में पावर फैक्टर 0.5, और आपने देखा P equals to VI cos phi, तो इन फर्स्ट केस cos phi 1 है तो P equals to V into I रहेगा, V आपका कांस्टेंट है क्योंकि 230 वोल्ट मिल रहा है, तो पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट। सेकंड केस में जब आप देखेंगे तो आप ये पाते हैं कि आपने ट्वाइस ऑफ करंट का यूज किया है, राइट, क्योंकि I इज इक्वल्स टू P बाई cos phi, तो आप ट्वाइस ऑफ I का जब आप यूज करेंगे तो ट्वाइस ऑफ I के लिए आपको यहाँ पर पहले अगर 230 into I का वैल्यू पावर मिल रही थी, सेकंड वाले केस में आपको 230 into twice of I पावर मिलेगी, यानी कि सेम apparatus के लिए फर्स्ट केस में 230 I वैल्यू का पावर आपने लिया रिसीव किया, सेकंड केस में 460 I वैल्यू को रिसीव किया है, यानी कि डबल जस्ट डबल आप पावर को यूज कर रहे हो। एंड दिस एस दिस अपेरेंट पावर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर, यानी कि जो पावर एक्चुअल में कंज्यूम हुई प्लस वो पावर जो सर्कुलेट हो रही है। फर्स्ट वाले केस में सर्कुलेटिंग पावर नहीं है क्योंकि cos phi की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 0 है। फर्स्ट वाले केस में आप देखेंगे p is equals to है vi cos phi, यानी के v into i, यानी के equals to s, और q की वैल्यू हो गई 0। तो फर्स्ट केस में q 0 है तो देर इज नो सर्कुलेटिंग पावर, ओनली p इज अवेलेबल, सो ऑल द पावर विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लाई साइड इज बीइंग यूटिलाइज्ड। बट इन सेकंड केस यू हैव p is equals to vi cos phi, that is cos phi is 0.5, और जो भी वैल्यू p का आएगा सेम वही वैल्यू q का भी आएगा vi sin phi के केस में, क्योंकि cos जो 0.5 वैल्यू है वो दोनों के केस में आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। ओके, दिस विल नॉट बी इक्वल, आई थिंक यस, दिस विल नॉट बी इक्वल, सो p equals to vi cos phi भी आपको मिलेगा, q equals to vi sin phi भी आपको मिलेगा, राइट। तो जो भी पावर एक्चुअल में कंज्यूम हुई वो आपको P से मिल जाएगी, लेकिन जो पावर सर्कुलेटिंग होगी वो वैल्यू आपको Q से मिलेगी, और जब आप दोनों का कंबाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा S, दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये वो पावर होगी जो आपको सप्लाई से मिलने वाली है, जिसका आप एक्चुअल में बिल पे करेंगे, राइट। इसलिए Q की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है, हम इसका बिल पे करते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर यूज, राइट। ओके, पावर को अभी हम एक और तरह से सीख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पावर की तरह से हम इसको सीख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर के लिए हमें एक
वोल्टेज लेना पड़ेगा. लेट अस से वी हैव वी बार इज इक्वल्स टू वी एंगल ऑफ थीटा एंड आई बार इज इक्वल्स टू वी हैव आई एंगल ऑफ माइनस फाइव. हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक है वोल्टेज और एक है करंट, एक एसी सर्किट में है. हम यहाँ से पावर निकालना चाहते हैं, ठीक है. तो पावर होता है पी इज इक्वल्स टू वी इन टू आई, ठीक है. अगर आप P इक्वल्स टू वी आई करेंगे तो हमें पता है कि ये फेजर डायग्राम के थ्रू V और I को अगर बनाते हैं, V है आपका V एंगल थीटा, ये है आपका V बार और I है I एंगल फाई, ये है I बार, ये है थीटा, ये है फाई, ठीक है. क्लियर है ये चीज? तो अब अगर आप देखते हैं तो दोनों ही केस में आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी, पावर होता है वी आई कॉस फाई. तो हमने क्या किया, आरएमएस वैल्यू ऑफ वी, आरएमएस वैल्यू ऑफ आई इनटू कॉस फाई. फाई कितना है यहाँ पर, फाई है हमारा थीटा प्लस फाई, दोनों को जोड़ देंगे थीटा प्लस फाई. तो टोटल पावर आपके पास हो गया वी आई कॉस थीटा प्लस फाई वॉट. ये आपके पास हो गई एक्टिव पावर, ठीक है. नाउ By using Euler's formula, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिखा जा सकता है P is equals to V into I, real part of e to the power j theta plus phi, ठीक है. Euler's formula से हम इसको convert कर सकते हैं, P is equals to VI, real part of e to the power j theta plus phi. Also, it can be written as real part of V e to the power j theta into I e to the power j phi. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं. अब आप इससे क्या देखते हैं, इससे ये देखते हैं कि जो V e to the power j theta है वो आपका है वोल्टेज फेजर. दिस इज वोल्टेज फेजर, यानी कि V बार है. और जो दूसरा क्वांटिटी है आई ई टू द पावर जे फाई, ये है आपका करंट फेजर. लेकिन करंट फेजर था आपका आई एंगल ऑफ माइनस फाई, यहाँ पर है आपके पास प्लस फाई. ये इसका मतलब ये हुआ कि ये आई फेजर का कॉन्जुगेट है, आई बार का कॉन्जुगेट, ठीक है. कॉन्जुगेट का मतलब है साइन रिवर्स हो गया, राइट. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज पी इज इक्वल्स टू रियल ऑफ रियल पार्ट ऑफ पी वी बार इंटू आई बार का कॉन्जुगेट. ये हमने अभी जो निकाला है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ वी बार इंटू आई बार का कॉन्जुगेट, ठीक है. नाउ अगर आप फेजर डायग्राम से अपेरेंट पावर को देखें, फेजर डायग्राम से आप निकाल सकते हैं अपेरेंट पावर इन कॉम्प्लेक्स टर्म, एस इज इक्वल्स टू होगा पी प्लस जे क्यू, क्योंकि पी आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, क्यू आपका वर्टिकल एक्सिस पे है, और एस को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू, राइट. और अगर पी का वैल्यू रियल टर्म ऑफ वी बार इंटू आई बार का कॉन्जुगेट है तो क्यू आपका होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ वी बार इंटू आई बार का कॉन्जुगेट. दैट मीन्स एस विल बिकम इक्वल्स टू वी बार इंटू आई बार का कॉन्जुगेट, ठीक है. अगर आपके पास वोल्टेज फेजर है और आपके पास करंट फेजर है, उस करंट फेजर का आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है. दैट विल गिव यू द अपेरेंट पावर. एंड वी बार आई बार का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी आई ई टू द पावर जे थीटा प्लस फाइव, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट दीज वैल्यूज. फॉर दिस केस वी हैव वी बार इज इक्वल्स टू वी एंगल ऑफ थीटा and I bar is equals to I angle of minus phi. So I bar का conjugate आपके पास हो जाएगा I angle of plus phi. Conjugate का मतलब है हम just sign को reverse कर देंगे. So apparent power S bar can be calculated as V bar into I bar का conjugate. That will be equals to V bar है V angle of theta into I bar का conjugate है I angle of phi. मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा वी इंटू आई थीटा प्लस फाइव, ठीक है. ये टर्म आपको मिलेगी और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वी आई कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस जे वी आई साइन थीटा
प्लस फाइव, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है दिस विल गिव यू द पावर पी, एक्टिव पावर, एंड जो सेकेंड टर्म है दैट विल गिव यू डायरेक्टली क्यू, राइट। तो इस तरह से आप आसानी से कॉम्प्लेक्स पावर का यूज करके भी पावर पी एंड पावर क्यू दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा। बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको इंडिविजुअली तीनों पावर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स में वोल्टेज और करंट है तो आप सिंपली उनको मल्टीप्लाई करिए, जिसमें वी बार होगा और आई बार का कॉन्जुगेट होगा। उनको सॉल्व करने के बाद जो भी आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिलेगा उसमें से रियल पार्ट जो भी मिलेगा, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जो भी रियल पार्ट मिलेगा वो आपको एक्टिव वैल्यू देगा और जो भी इमेजिनरी पार्ट मिलेगा वो आपको रिएक्टिव वैल्यू देगा। ये जो साइन है प्लस का, दिस साइन इज नॉट कंपल्सरीली ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट, ठीक है। जब हमारा रिएक्टिव पावर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है सर्किट हमारा इंडक्टिव है, मतलब वो इंडक्टिव नेचर का है। और जब हमारा रिएक्टिव पावर नेगेटिव आए तो सर्किट हमारा होगा कैपेसिटिव नेचर का। ये आगे हम अभी देखेंगे। जब आप अभी आप ध्यान से देखिए, हमने जो करंट कंसीडर किया है वो है आई एंगल ऑफ माइनस फाइव, और ये केस था करंट लैगिंग का, और लैगिंग के केस में हमेशा इंडक्टिव सर्किट ही होता है, दैट इज वाई दिस साइन इज पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पर साइन उल्टा लेंगे, लीडिंग वाला केस लेंगे, तो लीडिंग वाले केस में ये जो टर्म है आपको नेगेटिव मिलेगी, यानी कि रिएक्टिव पावर नेगेटिव आएगी, राइट। सो इन केस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टिव पावर विल बी पॉजिटिव, इन केस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर विल बी नेगेटिव, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वीडियो व्हाट वी हैव गॉट, वी गॉट थ्री फॉर्मूलेज ऑफ पावर। वन पावर इज एक्टिव पावर, दैट इज वी आई कॉस फाई, यूनिट इज वॉट, दिस यूनिट इज द लीस्ट यूनिट, वॉट हम लिख रहे हैं। इसकी अगर बड़ी यूनिट लेंगे तो किलोवाट हो सकता है, मेगावाट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिव पावर को हमने लिया क्यू, दैट इज इक्वल टू होता है वी आई साइन फाई, यूनिट होगा वी ए आर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसका भी जो यूनिट है आगे हम के वी ए आर में लिख सकते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, अगर आप बड़ा यूनिट देखना चाहते हैं। सिमिलरली अपेरेंट पावर एस इज इक्वल टू वी इन टू आई, यूनिट इज वी ए, और बिगर यूनिट्स में आप लिख सकते हैं के वी ए, ठीक है। तीसरी चीज, यहां से हमने कॉम्प्लेक्स पावर का भी एक कॉन्सेप्ट देखा। कॉम्प्लेक्स पावर एस बार कैन बी रिटन एज पी बार प्लस जे क्यू बार, और दिस कैन बी फाइंड आउट एज वी बार इंटू आई बार का कॉन्जुगेट। अगर आपके पास वी बार और आई बार है तो आप डायरेक्टली यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहां से कॉम्प्लेक्स पावर का यूज करके सीख सकते हैं। दूसरी चीज, आपने एक पावर ट्रायंगल देखा जिसमें आपके पास यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, और इन दोनों का जब फेजर सम आपने किया तो ये था आपके पास एस, एंड दिस वाज द फेज एंगल फाइव। फ्रॉम हियर ओनली वी गॉट एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप पावर ट्रायंगल जो हमने बनाया है, पावर ट्रायंगल, ऑल्सो तीनों टाइप का पावर, उनको नॉर्मली निकालना, जिसके लिए तीन फॉर्मूलेज एप्लीकेबल हैं। वेयर वी एंड आई, वेयर एवर वी आर राइटिंग कैपिटल वी और कैपिटल आई, ऑल आर द आरएमएस वैल्यूज। वेयर एवर वी आर यूजिंग फाइ, दिस इज फेज एंगल, एंड कॉस और साइन जो भी आ रहा है उसके रिस्पेक्टिवली हम लिख सकते हैं, ठीक है। और जो बाय डिफॉल्ट लीस्ट यूनिट्स हम यूज करते हैं तीनों पावर्स के लिए वो है वॉट, वी आर एंड वोल्ट एम्पियर। वेयर एज फॉर द कॉम्प्लेक्स पावर दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, जो हम आगे यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले न्यूमेरिकल्स में। बहुत यूजफुल है ये सारी चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर। ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, कि व्हाई इट इज यूजफुल। हमने देख लिया कि जब जब पावर फैक्टर सर्किट में रहेगा तब तब जो क्यू पावर है, रिएक्टिव पावर है, वो सर्किट में अवेलेबल रहेगी, और उसके अवेलेबल होने से जो एस की वैल्यू है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस पी, ठीक है। क्योंकि P is the power which is actually being consumed, but S is the power which is being charged, जिसका बिल हम पे कर रहे हैं, जो हमसे चार्ज की जा रही है, ये वो पावर है, राइट। इस तरह से इन पावर्स को हम समझ सकते हैं और पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट इसके साथ समझा जा सकता है, राइट।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आप इसको अच्छे से सुनिए, देखिए इसको और अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए. आगे आने वाले वीडियोस में हम आगे सीरीज सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.